आज हम लोग एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं जिसमें मैं अपने एक प्लांटर की थोड़ी सी छोटी सी मेकओवर करने जा रही हूँ, जिसमें मुझे थोड़ा सा यूज़ करने में, मतलब उसको घर में डेकोरेट, अगर वो एक कॉर्नर में है तो उसमें जो है मिट्टी जो है वो लोगों को, गेस्ट को नज़र आती है, जैसे कि उसमें प्लांट लगा हुआ है तो वो थोड़ा सा दिखने में अच्छा नहीं लगता है। तो उस हिस्से को कवर अप करने के लिए छोटा सा DIY है, एंड लेट्स वॉच इट। ना देखिए, ये दिखने में कितना अच्छा है, सुंदर है, बट जब ये रूम में रखा होता है तो ये जो एरिया है ये नज़र आता है। अब मैं चाहती हूँ कि गेस्ट कोई आए तो उसकी नज़र इस एरिया में ना पड़े, बल्कि थोड़ा सा कैची लुक आए। तो इस प्लांटर के कॉम्बिनेशन में ही मैं कुछ प्लान करने जा रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं इसमें पेबल्स भी रख सकती हूँ, बट यस, पेबल्स रख सकते हैं, बट फिर उसको क्लीन करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो आई एम गोइंग टू डू समथिंग दैट which will be less time taking in future for whenever I will try to take care of my plant, give it water and compost etc. let's watch it. चलिए अब जान लेते हैं कि हमें अपना DIY project करने के लिए क्या क्या सामान चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए कलर। मैंने acrylic कलर लिया है, फेविक्रिल के ये बॉक्स है। मुझे, मेरा प्लांटर ब्लू कलर का था इसलिए मैंने ब्लू कलर यहाँ सेलेक्ट करा है। आप चाहे तो शेड्स भी ले सकते हैं, डबल शेड में भी बना सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन देके। उसके लिए फिर आपको कलर मिक्सिंग ट्रे की भी ज़रूरत होगी। दूसरा है यहाँ पे पेंट ब्रश, एक कटर थर्माकोल काटने के लिए, एक स्केच पेन थर्माकोल पर मार्क करने के लिए प्लांटर के निशान लेके, एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली थर्माकोल तो हमें चाहिए ही चाहिए। कोई भी थर्माकोल जो आप बच्चों के प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करते हैं वो आप ले सकते हैं। और अगर आप दो कलर मिला रहे हैं या शेड दे रहे हैं तो आपको शायद कलर मिक्सिंग ट्रे की भी ज़रूरत पड़ेगी। मैं यहाँ एक ही कलर यूज़ कर रही हूँ इसलिए मुझे मिक्सिंग ट्रे की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं डायरेक्ट कलर को अप्लाई करने वाली हूँ। मैंने एक थर्माकोल का पीस ले लिया है। इस पीस को मैं शेप में कट करूंगी, इस प्लांटर की कुछ इस तरीके से करूंगी कि ये प्लांटर जो है वो इस तरह से शेप करूंगी। यहाँ से इसको निशान लगा लेंगे, नीचे से इसको मैं निशान ले लूंगी, लगा लूंगी यहाँ इसके नीचे से, यहाँ से निशान लेना पड़ेगा क्योंकि प्लांटर जो है वो सिलेंड्रिकल तो है बट वो थोड़ा सा यहाँ से स्टीप होता है, इधर से अंदर की तरफ एज होती है, तो वो एग्जैक्टली नीचे से मेजर करूँगी तो वो एग्जैक्ट मैच नहीं आ पाएगा। सो गाइस, अब ये मैंने कट कर लिया है थर्माकोल का पीस, तो ये कुछ इस तरह से है, इस तरह से इसे कट करा है ताकि ये यहाँ इस तरह से ऐसे फिट हो जाए। अब ये ऐसे फिट हो जाए लेकिन ये वाइट कलर में है तो कुछ दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको मैंने अच्छा दिखने के लिए इस तरह से कलर किया है। इसका दूसरा पीस है, मैं इसको डिवाइडर्स में जो है सेटअप करने वाली हूँ, क्योंकि डिवाइडर्स में करूँगी तभी मैं इजीली इनको ऐसे निकाल करके फिर आगे अपना प्लांट का टेक केयर कर सकती हूँ फ्यूचर में। सी गाइस, ये मेरा दूसरा पीस भी है, रेडी है, ये इस तरह से इसमें यहाँ सेट हो जाएगा और दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। आई होप आप लोगों को ठीक लग रहा होगा। अभी भी पेंट करना बाकी है, लेट मी कंप्लीट माय वर्क देन मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। अभी पेंट सूखा भी नहीं है और अभी गमले में भी मैंने अभी जस्ट वाटरिंग करी है, तो वो जो कलर है कलर के ऊपर ही देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मड आ गया है, बट हाँ ये करने के पहले मुझे पानी डाल करके इसको, पानी को अच्छी तरह सोख होने का वेट करना पड़ेगा। जब भी मैं इसको यूज़ करूँगी, हटा करके प्लांट में वाटरिंग करूँगी, तभी भी मुझे इसको पानी को सूखने का वेट करना पड़ेगा। Thank you.
गाइस, अब ये मेरा पूरा ये पीस जो है ये पेंट हो चुका है। अब मैं इसको ड्राई होने के लिए रख दूंगी। ये दोनों पीस मेरे रेडी हो गए हैं, वन इज़ फ्रॉम राइट साइड एंड वन इज़ फ्रॉम लेफ्ट साइड। दोनों इस तरह से गमले में सेट होंगे एंड ये पूरा मेरा जो है सर्कल वो रेडी हो गया है। यू कैन सी दैट। अभी जब मैं इसको सूखने का वेट कर रही हूँ, सूखने के बाद हम इसे गमले में सेट करें। तो फ्रेंड्स देखिए, अब ये हमारा ये डिवाइडर डेकोरेटिव पीस तैयार है। अब हम इसे सेट कर देते हैं अपने प्लांटर में। देखिए कितना इजीली ये सेट हो गया है। यहाँ इतना स्पेस भी है कि मेरा प्लांट जो है वो एयर ले सके आराम से, कि रूट के थ्रू उसको एयर मिल सके। अब मैं इसको इस तरह से सेट कर देती हूँ, इसमें ये फिक्स हो गया है अच्छे तरीके से। अब ये दिखने में बिल्कुल मैच कर रहा है। जस्ट सी दिस लुकिंग वेरी नाइस। मुझे तो ये दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हम इसे ऐसे लगाना चाहें तो ऐसे भी लगा सकते हैं। मैं इसमें थोड़े से पेबल्स डेकोरेट करना चाह रही हूँ, तो मेरे पास ये थोड़े से कलरफुल पेबल्स हैं जिन्हें मैं ऊपर से डाल के इसको डेकोरेट कर लूँगी, जिससे ये थोड़ा सा और कैची लगने लगेगा। सी कलरफुल पेबल्स, मैंने थोड़ी डार्क कलर कैची कलर सी चूज़ करे हैं।